प्रसार भारती आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा G20 कार्यक्रमों की श्रृंखला का अंतिम कार्यक्रम संगीत संध्या टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय सभागार में शनिवार 2 सितंबर की शाम 6 बजे आयोजित किया गया। इस संगीत संध्या में भजन, देशभक्ति नृत्य, गीत, निकोबारी लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, छोटा नागपुरी लोक नृत्य, गजल, बांग्ला लोक नृत्य और कव्वाली प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र IAS। मुख्य अतिथि का स्वागत आकाशवाणी व दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर की क्लस्टर हेड डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग श्रीमती M. वासुकी ने गुलदस्ता भेंट कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपस्थिति का स्वागत आकाशवाणी व दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मीना प्रकाश ने किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। इसमें 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन शामिल है। हमारे देश में पहली बार आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आकाशवाणी केंद्रों को भी इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 12 अगस्त से आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा 5 कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित किए गए, जिसमें काव्य संध्या, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार तथा किसान गोष्ठी शामिल है। आज इसी कड़ी का समापन हम कर रहे हैं संगीतमय कार्यक्रम संगीत संध्या से। इस कार्यक्रम में लोकल टैलेंट्स को हमने प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। सभी कलाकारों का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम यही आशा करेंगे कि स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत आज का ये संगीतमय कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन श्री राजेश कुमार निराश और सुश्री ललिता तिग्गा ने किया। लोक नृत्य देशभक्ति गीत पर जो आधारित है वो नृत्य, और साथ ही है कव्वाली और शास्त्रीय गायन। और लेकिन हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और आपको सुनवा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले प्रस्तुत है गणेश वंदन। भजन या भक्ति गीत या इस तरह का गायन, ये केवल एक गायन शैली नहीं है। भजन ईश्वर को अनुभव करने का एक माध्यम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, तब उन्होंने भगवान राम को अनुभव किया था। जब सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी, उन्होंने कृष्ण को अनुभव किया था। जब मीराबाई अपनी रचनाएं लिखती थी, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ होते थे। तो आइए हम भी अनुभव करें ईश्वर को इस भजन के माध्यम से। शिवर्णम चतुर्भुजम शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न उपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम् सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये
श्रीनिवास और उनके साथी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। हम सब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, जितने भी लोग निवास करते हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है। इसीलिए हम सब एक ही साथ रहते हैं। इसी संदर्भ में आधारित है आज का ये नृत्य, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अंडमान कॉलेज के छात्र छात्राएं। देख मोन काश बोन दुलचे जे शारी कमी ठाक तेवे डाक दिन मुंचे जे तारी। देख मोन काश बोन दुलचे जे शारी कमी ठाक तेवे डाक दिन गुंचे जे तारी। शिवली माखा गल्पो आगमनीर सुर तुम्हार टुलिर गंध छड़ालो। बोलो बोलो बीत के लगिया लग सरुल दिना उस माग बीत
सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, सारे सपने हाय हम क्या से क्या हो गए।
जिंदगी से मिले मुद
मुद्दतों बाद जिंदगी से मिले आज हम ना गा किसी से मिले रात दिन जिंदगी का साथ रहा रात दिन जिंदगी का साथ रहा रात दिन जिंदगी का साथ रहा एक दिन भेला जिंदगी से मिले एक दिन तो बाद जिंदगी से मिले आज हम ना किसे से मिले खुद को मिलने को उम्र भर तरसे खुद को मिलने को उम्र भर तरसे खुद को मिलने को उम्र भर तरसे खुद को मिलने उम्र भर तरसे यूं तो मिलने को हम सभी से मिले यूं तो मिलने को हम सभी से मिले मुद्दतों बाद जिंदगी से मिले आज हम ना गा किसी से मिले जिंदगी की दुआ न दे जालिम जिंदगी की दुआ न दे जालिम जिंदगी की दुआ न दे जालिम जिंदगी दुआ न दे जालिम जिनको मिलना वो जिंदगी से मिले जिनको मिलना वो जिंदगी से मिले मुद्दतों बाद जिंदगी से मिले तो बाद जिंदगी से मिले आज हम ना गा किसे से मिले आज हम ना गा किसे से मिले आ Oh.
দিসম তাবো জনম তো আদারি সিরিজন্যল নেলে নেল সুরুজলে দূর তো রই মন্টালয় যাবো এ বাগানটায় ভালো
হলুদো ফুল দিয়া বই ফুন্দিব খোঁপায়, দুদুর তরি মনটালয় আ যাব এ বাগানটায়, লাল হলুদো ফুল দিয়া বই ফুন্দিব খোঁপায়, ছাদের কীর্তি মা গড়া রাখু চোখের তারা হাটায়, রানি হইয়া রইবি মরি ময়না ছলক ছলক চলে রে, পিছন পানি চায়না রে, মন ঢুক ঢুক করে রে, তর লাগিও তলার শালপিয়ালির বন্তি কাউরি, জংলা নদীর পারে হেতে তর সঙ্গ লই গুর গুর করুম এই বাসনা প্রাণে, ময়না ছলক ছলক
खुशी से झूमते गाते जंगल की नेमत देखो खुदा की नेमत देखो देखो जन्नत देखो देखो जन्नत देखो देखो जन्नत देखो देखो जन्नत देखो हाल देखो जन्नत देखो देखो जन्नत देखो देखो जन्नत देखो हसी कैफ हर नजारा है ये अंडमान हमारा कुछ बात है इसमें के अंडमान है ये जब कुछ बात है इसमें के अंडमान है ये समुंदर के दिल में छोटा सा हिंदुस्तान है ये समुंदर के दिल में छोटा सा यहाँ आदिम कबीलों के भी काफी लोग रहते हैं आदिम कबीलों के भी काफी लोग रहते हैं जिन्हें हम अंडमानी जारवा और ओंगी कहते हैं नई दुनिया से रस्मों रवाज में हो गया जारी दुनिया से रस्मों में हो गया जारी बेखुश अखलाक हसमुख लोग हैं बोले निकोबारी बेखुश अखलाक हसमुख लोग हैं बोले निकोबारी जजीराए निवासी हैं के दुर्दखन में कुछ शोंपेन भी द्वीपों के वासी हैं अलावा इसके हर सूबे से लोग आए हैं मलयाली भी है नमस्कारम नमस्कारम रंगीले भैया भी है रसीले अय्या भी है मगन है मदरासी भी मगन है मदरासी भी
सकते पंजाबी भी। गरज गुजरातिया महाराष्ट्रिया आसाम क्यों न हो या फिर कश्मीर से इंदिरा पॉइंट तक का कोई नाम क्यों न हो। यहाँ भारत के हर हिस्से का हर रंगीन नजारा है, ये अंडमान हमारा संगीत संध्या को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मंत्रमुग्ध करने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट कर हम गौरवान्वित करना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। कार्यक्रम का समापन आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रीय समाचार एकांश के समाचार संपादक श्री गौरव पटवाल के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस वर्ष भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और अब से कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मैं थोड़ी सी सूचना इस संदर्भ में देना चाहूँगा। देश भर में इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये सिलसिला इसी मंच से 12 अगस्त को कवि सम्मेलन के साथ शुरू हुआ था और इत्तेफाक ये है कि इसी मंच पे आकर ये सिलसिला ये सफ़र आज समाप्त हो रहा है।